हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एनालाइज करेंगे यूएसडी ज़ार और डॉ जोन्स US 30 जिसको कहते हैं। मैंने इसका परसों भी किया था, लेकिन यूट्यूब में कुछ गिलिच था, जो ऑडियो जो है वो आधी कट गई थी, बीच बीच में से कटी हुई आ रही थी, तो इसलिए मैंने उस वीडियो को जो है वो बंद कर दिया और डिलीट कर दिया। अभी ये दोबारा मैं आज इसको एनालाइज कर रहा हूँ। आज 23 तारीख है, 12वां महीना 2022, और 5:37 इस वक्त हो रहे हैं शाम के। अगर यूएसडी ज़ार को हम देखें, H4 में मैं जाता हूँ, तो ये अपवर्ड में ही है, ठीक है। ये बिल्कुल बाय ट्रेंड के अंदर है और अभी भी ये बाय में ही जाएगी, इसके चांसेस ज़्यादातर यही हैं, ठीक है। इस ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट अभी जो है वो इसी के अंदर है, लास्ट एरिया बचा है। अगर ये ब्रेक हुआ तो मार्केट फिर नीचे जा सकती है। ये अगर आप देखें H4 का, ठीक है, और यहां पर ये जो लिक्विडिटी है जो कि इस कैंडल से तकरीबन क्लियर हो चुकी है, ठीक है, थोड़ा बहुत रहता है नीचे की तरफ, अब सिर्फ डिमांड रहती है। और इसको अगर हम H1 में देखेंगे, H1 में आपको ज्यादा बेहतर दिखेगा, H1 में हम देखें तो हमारे पास अच्छे रिस्क रिवॉर्ड के लिए एक एरिया मौजूद है, ये वाला। यहां से अगर हम इसकी बाइंग जो है वो एक्सपेक्टेड है, यहां से ये एरिया मैं आपको बता दूं 16.95, ठीक है। और मार्केट ने जो सप्लाई लीव की है वो ये ऑर्डर ब्लॉक किया है, ठीक है। यहां पे देखें अगर तो हम MPL भी यहां पे मौजूद है, और यहां पर ये मार्केट ने यहां पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी किया हुआ, यहाँ पे MPL मौजूद है बिल्कुल, ठीक है। तो ये सप्लाई एरिया होगा, अगर इससे ऊपर गई तो हमारे पास और भी एरियाज मौजूद हैं, बिलावजह अभी उन पर टाइम ज़ाया करने वाली बात है, इनको डिस्कस करना है। जब मार्केट इसके ऊपर जाएगी तो हम देखेंगे कि अभी इसमें क्या बन रहा है, ठीक है। इसमें एक चीज़ और है ध्यान रखने वाली सेलिंग एरिया में, वो है यहाँ की ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। तो आप ये देखें तो यहां पर ये लिक्विडिटी बनती है, अगर मार्केट यहां रेंज करके आती है तो यही एरिया लिक्विडेड लिक्विडिटी बन जाएगा और ये एरिया वैलिड हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसे ही आती है, आएगी तो खैर इस तरीके से यहां पर, तो ये एरिया वैलिड रहेगा, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है कि ये एरिया, इसके ऊपर मार्केट फिर अगर यहां पर लोगों ने ट्रेंड लाइन पे करी तो उसका जो SL होगा वो इसके ऊपर होगा, ठीक है। तो उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर यहाँ कंफर्मेशन नहीं मिलती तो इसको फिर आपने अवॉइड करना है, सेलिंग एरिया को। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट डिमांड जोन है यूएसडी ज़ार का, इसको आपने जरूर जो है वो कंसिडर करना है, ठीक है। तो सीधा US 13 पे चलते हैं। डो जोन्स बेहतरीन इंडाइस है, पूरी दुनिया में ट्रेड किया जाता है और इंतहाई वॉलीटाइल है। नासडाक से भी पहले ये आता है, कीमत इतनी ज़्यादा इसकी नहीं है इतनी ना, ये पहले नंबर पे आता है, दूसरे नंबर पे नास्डाक आता है इंडाइस में, और मेटल में इसके बाद जो है फिर गोल्ड आ जाता है। बहुत ज़्यादा वॉलीटाइलिटी इसके अंदर होती है, और आप इस मूव से देख सकते हैं एक तरीके का, इसको लोग बिटकॉइन समझते हैं, ठीक है। तो आप मूव देखते हैं कितनी बड़ी बड़ी इसमें डिप आती है, लेकिन ये जाता ऊपर की तरफ है। अगर इस स्ट्रक्चर को आप देखेंगे, मार्केट लोअर हाई बनाती हुई जा रही है, और ये स्ट्रक्चर अब ब्रेक हो चुका है यहाँ पर, यानी मार्केट हम फिर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट मजीद जो है वो बाय की तरफ जाएगी। और वो मैं क्यों कह रहा हूं, एक तो हमारे पास जो लास्ट एरिया है वो यहां पर ये है, तो ज्यादा से ज्यादा मार्केट आएगी वो यहां पर आएगी। उसका रीजन ये है, हमारे पास यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप मौजूद नहीं है, इम्बेलेंस यहाँ पे मौजूद नहीं है, ठीक है। यहां पर माइनर सा है, वो भी अगर इस कैंडल को हम देखें तो फिल हो चुका है, ठीक है। तो यहां पर इम्बेलेंस तो कोई मौजूद नहीं है, अदरवाइज यहाँ पर एक एरिया मौजूद है FTR का, ठीक है। अब तो ये लिक्विडिटी बन चुकी है, तो यहाँ तक मार्केट की जो मूवमेंट है एक्सपेक्टेड है 3231, ठीक है। H4 में हम जाते हैं, H4 में अगर आप देखें तो मार्केट ने एक एरिया स्वीप आउट किया है, बहुत इंपॉर्टेंट एरिया मार्केट ने स्वीप आउट किया है इस मूव के तहत,
ठीक है, पहले यहां से किया इसको रिमूव, एसएल सारे खाए, नीचे की तरफ आई, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, लोगों ने इस यहां पर ऑर्डर ब्लॉक पर सेल की होगी, लेकिन ये जो एक मूव आया उसने इसको भी जो है वो इनगल्फ कर दिया। तो ये एरिया ये जो शेडो है ये इसको बहुत ज्यादा जो है वो वैल्यूएबल बनाता है। H1 में हम देख सकते हैं यहां पर ऑर्डर ब्लॉक मौजूद है। यहां पर ऑर्डर ब्लॉक मौजूद है, मार्केट ने इस एरिया को यहां पर लिक्विडेट किया है, यहां पर हमारे पास QML मौजूद है। ठीक है, हाई हायर हाई लो एंड लोअर लो, ठीक है, पूरा हमारे पास परफेक्ट एक सेलिंग सेटअप यहाँ पर नजर आ रहा है। और ये हमारे पास FTR मौजूद है, मार्केट ने ऊपर आने की कोशिश की लेकिन नाकाम रही। ठीक है, यहां पे मार्केट नाकाम रही, तो इस एरिया को आपने कंसीडर जरूर करना है। ये 3466 और बाय में एक चीज हो रहा है यहां पर। ठीक है, मार्केट यहां से उठी है, मैं आपको ये जो एरिया है ना मार्केट ने यहां से इनगल्फ किया है, इसको मैं 15 मिनट में जाऊं तो आपको ये बेहतर नजर आएगा। मार्केट ने यहां पर फेयर वैल्यू गैप छोड़ा है, इस जगह पर। ठीक है, हमारे पास यहां पर डिमांड भी मौजूद है, रैली बेस रैली, तो ये एरिया भी कंसीडर किया जा सकता है लॉन्ग पोजीशन के लिए ऊपर तक, अगर यहाँ कंफर्मेशन हमें दिखती है। कंफर्मेशन भी इसी में लेनी है आपने 15 मिनट में। ठीक है, 3279 ये एरिया भी इसको अंडर कंसिडरेशन इसको रखिएगा। ठीक है, अगर ये रिमूव होता है देन नीचे तो एरिया है ही, बहुत वॉलिटिलिटी होती है, फिर मैं आपको कह रहा हूँ ज़्यादा ध्यान से इसको ट्रेड करना है। मार्केट ऑर्डर का इस्तेमाल कीजिएगा, लिमिट ऑर्डर बिल्कुल भी यहाँ पे पंगेबाजी ना कीजिएगा। ठीक है, ये एरिया आपको मैंने सारी कीमतें बता दी हैं इनकी, तो आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल वीकली एनालिसिस के अंदर, और संडे को एक लर्निंग वीडियो मैं बना रहा हूँ, लेकिन थोड़ी सी लंबी हो जाएगी अगर मैं बना सका, क्योंकि बिजी हूँ थोड़ा सा, अगर मैं बना सका क्लियर कर सका उसको एतवार तक तो इंशाल्लाह मैं उसको अपलोड कर दूंगा, वरना हम BTC का एनालिसिस कर लेंगे। ठीक है, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज़।